अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। तो मैं और बेटी जा रहे हैं, इसकी कॉपीज़ लेनी है, तो वहाँ से बुक स्टॉल से फ़ोन आ गया था कि आप आकर कॉपीज़ लेते हैं, कॉपीज़ आ गई हैं। तो क्योंकि आज भी इसकी स्कूल की छुट्टी हो गई थी, अब इंशाल्लाह सुबह जाएगी, तो बस वेट कर रहे थे पैसेंजर लिफ्ट का, वो तो नहीं आई, तो ये कार्गो लिफ्ट आ गई थी, हमने कहा नीचे तो जाना है, चलो इसी में ही चलते हैं। तो फिर यही है कि इस और भी हमारे फिर कुछ कुछ काम थे, हमने कहा साथ ही वो भी हम करके आ जाएँ, क्योंकि कुछ कपड़े पीको वाले थे वो भी करवाने थे, तो मैंने कहा एक ही बार जाएँगे और सारे काम हम करके आ जाएँगे। बीच में भी मैंने पता किया था लेकिन कॉपीज़ नहीं आई थी, तो फिर अब कोचिंग तो वो जा रही है, कोचिंग की तो बस ये है कि बुक्स होनी चाहिए और इनके कोचिंग की अलग है रजिस्टर, और लेकिन स्कूल वालों को तो कॉपियां फिर चाहिए ना, तो इसकी ये दो तीन छुट्टियां हो गई थी। वैसे भी 14 अगस्त से पहले तो पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, तो उसके बाद ही जाना था, तो अभी माशाल्लाह आज इसकी कॉपीज़ मिल जाएंगी। तो मैंने पहले सुबह दूसरे अपने काम थे वो किए, फिर मैंने सोचा कि इस टाइम मैं जाऊंगी, और अभी हम सबसे पहले आ गए हैं पीको वाले के पास, तो मैंने कहा जो जो मुझे पीको चीज़ें करवानी है वगैरह। अब आप देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना रहे हैं और बिल्कुल मुनासिब इनके रेट था। पहले मैं जौहर जाती थी करवाने के लिए जहाँ पहले रहते थे, लेकिन फिर मैंने कहा यहाँ ट्राई करें, फिर उसके बाद जब मैंने कहा जितनी देर पीको रही है, अंदर गली में होलसेल बर्तनों की बहुत बड़ा ना इनका गोदाम था, और इतनी वैरायटी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, कभी मैं विज़िट ज़रूर करवाऊंगी। वो तो कह रहे थे कि आप अंदर से भी वीडियो बना ले, मैंने कहा नहीं। फिर वो वाला काम निपटा के फिर हम आ गए थे बुक शॉप पर, बहुत बड़ा ये शोरूम है जिसमें बुक्स हैं, बच्चों के बैग्स हैं, बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पता नहीं कितने स्कूलों के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, कि मतलब बहुत रश था। बस इसकी बारी जल्दी आ गई थी क्योंकि इसके स्कूल के बस एक दो बच्चे ही खड़े थे, तो उसके बाद इसकी बारी आ गई थी, तो हम लोगों ने इसकी पूरी कॉपीज फाइल सब कुछ ले लिया है। तो अभी बस पेमेंट करके हम अपने नेक्स्ट काम के लिए चलते, जब यूँ दो तीन काम हो ना तो मैं सारे करके ही घर जाती हूँ, तो बस हम रिसेप्शन पे जाते जो बुक्स वाला है उस पर। अब ये बैग्स भी इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर थे, मैंने तो बेटी से कहा था ले लो, लेकिन उसने कहा मम्मा मेरा बिल्कुल न्यू बैग है, उसको कुछ भी नहीं हुआ तो मैं वही यूज़ करूँगी। मेरे बच्चों की आदत है कि मतलब अगर उनकी चीज़ सही है तो वो बिल्कुल नहीं डिमांड करते, ना ही वो कहते कि मम्मा लेनी है, क्योंकि बिल्कुल सही है बैग। तो मैंने तो दो तीन दफ़ा कहा था, लेकिन आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी। माशाल्लाह इतना साफ़ सफाई से ये अपना बैग रखते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं कि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। पाउचेज़ भी इसके पास 3-4 हैं, और बैग तो माशाल्लाह इसका पहले मैंने लेकर दिया था बहुत प्यारा, तो वही बिल्कुल अभी भी न्यू ही पड़ा हुआ है। तो बस अब हमारा ये वाला काम भी हो गया है माशाल्लाह। फिर उसके बाद मुझे एक और काम था, जो मेरी सिस्टर भी हैं, जिनका मैंने आपके साथ अपने व्लॉग्स में कई बार जिक्र भी किया है, जो मेरे बच्चों के लिए मक्खन भी बना के देती हैं, और जिनका बकरा भी मैं देखने गई थी, तो उससे एक छोटा सा काम कहा था, क्योंकि उसको बुखार वगैरह हुआ हुआ था, तो कह रही थी कि आप बच्चों के यूनिफॉर्म ले लीजिएगा, तो मैंने कहा वैसे भी मेरे घर की तरफ ही है, उसने भी आना यहीं पर ही लेने, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड के हाथ भिजवा दूँगी। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी बहन भी है और मेरी दोस्त भी है। मेरा आज कोई इतना ज़्यादा फैमिली ट्रम्स का या मेरी दोस्तों का सर्कल नहीं है, मैं जल्दी नहीं इस तरह करती, बस आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो या मेरी ये एक दोस्त है, बहुत ही प्यारी बहनों की तरह। तो ये यूनिफॉर्म हम लोग ले रहे थे, उसने जो नंबर बताए थे वो ज़्यादा बड़े हो रहे थे, तो फिर मैंने इनको कहा कि आप यूनिफॉर्म वालों को कि आपको जो बेहतर लग रहा है वो आप करके दें। तो छोटे का तो जो नाप था उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा सही हमें मिल गए, लेकिन बड़े का जो शर्ट का नाप दे रहे थे तो वो अगर हम दो नंबर बड़ी ले रहे थे तो वो बिल्कुल मेरे बेटे के साइज़ की बन रही थी, बहुत बड़ी। अब ये छोटे का है, अब ये देखें इसकी शर्ट से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, अब ये बड़े की है, देखें कितना एक बालिश का फ़र्क आ रहा है। तो फिर हमने ये छोड़ दी थी, हमने कहा था उसी नाप की दे दे, वो भी लेकिन थोड़ी सी बड़ी हमें मिली है, मतलब थोड़ी सी 1-1.5 इंच बड़ी मिली है, ये देखें। तो बाकी ये है कि माशाल्लाह इसका भी ये काम हो गया। फिर इसकी कैश पेमेंट हुई, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे पैसे देकर भेजा था कैश, तो बच्चों के ड्रेसेस लेने थे, बाकी मैंने उससे पूछा नहीं कि सॉक्स हैं बेल्ट वगैरह लेना है, मैंने कहा चलो ये तो वहाँ भी इतनी अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं तो वहाँ से वो ले लेगी। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, सारे काम हो गए थे, और बारी आ गई थी बेटी की ऑयलिंग की, क्योंकि मैंने कहा था ये इसकी ऑयलिंग कर दूँगी ना तो फिर रात इसके बालों
में ये रहेगा रात तक, फिर ये रात में लेट नाइट शावर ले लेगी। माशाल्लाह इसके बाल देखें, वही ऑयल है जो मैंने आपके साथ लाइव रेमेडी शेयर की है, और इतने प्यारे माशाल्लाह बाल है। और मैंने इसके थोड़े दिन पहले दोबारा फिर कटिंग की थी, तो बस जल्दी से ये वाला भी काम कर लेते हैं। और मैं इतनी इसकी देखें दबा के चुटिया कर रही हूँ, और इतने इसके बाल सिमटे हुए भी लगेंगे, और इतनी इसी चीज़ से जो मैं ये सारी केयर करती हूँ उसी से इसके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह जल्द से जल्द लंबे होते हैं। फिर आज मैं बना रही हूँ खांडली की सब्ज़ी, खांडली का सालन कह लेंगे, बेसन की सब्ज़ी कह लें, लेकिन इस डिश का नाम है खांडली। इसमें हमें चाहिए 1 कप बेसन, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च हल्दी लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है, दो चीज़ें, वो है अजवाइन 2 चुटकी के करीब, और थोड़ा सा गरम मसाला। आपको पता है मैं ज़्यादा स्पाइसी यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये सेहत के लिए भी नहीं अच्छे होते, लेकिन इसमें इसलिए ये अजवाइन और गरम मसाला जाएगा क्योंकि देखें जो बेसन होता है वो थोड़ा बादी होता है। अब हम खांडली बनाने की ना तैयारी शुरू करते हैं। हमने 1 कप बेसन ले लिया है, जो ना बड़ा है कप ना छोटा है। फिर उसके बाद आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च हल्दी डालनी है, 2 चुटकी अजवाइन की और 2 या 3 चुटकी गरम मसाले की आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और उसके बाद आपने हैंड बीटर लेना है, या आपके पास बिजली वाला है तो आप ले लें, तो एक किसी की हेल्प ले लें। मैंने बेटी को बुलाया, उसने कढ़ाई पकड़ी है। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का डालूंगी, या 2 डाल लें, 2 गिलास पानी के आप डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते जाएँ, लेकिन गिलास आपका मीडियम साइज का हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसको आपने अच्छे से हैंड बीटर से इस तरह मिक्स करना है कि ये सारे पानी में मसाले और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें मैं कितनी देर इसको, कम से कम मैंने 15 से 18 मिनट इसको इसी तरह फेंटा था ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। फिर उसके बाद आपने तेज़ आंच पर इसको चढ़ा देना है। अब मैंने ये सारी मेहनत इस सब्ज़ी की इसी में ही है कि आपने तेज़ आंच पे चढ़ा के इसी तरह हैंड बीटर को घुमाना है। कई लोग चमचे यूज़ करते हैं, चमचा नहीं करना, चमचे से और भी हाथ थक जाता है और जो चूल्हे का सेक है वो भी पड़ता है। फिर उसके बाद एक ट्रे में मैंने ऑयल लगाया और सारी मैंने डो इसके अंदर डाल दी, और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और बहुत झटपट ये बेसन की डिश बन जाती है। अब हमने इसको अच्छे से फैला दिया है ताकि इसको रेस्ट मिले, ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसको आप अपने मर्ज़ी से चकोर काट लें या नमक पारे के स्टाइल में काट लें। मैंने नमक पारे के स्टाइल में काटा है, अभी भी ये थोड़ा थोड़ा गर्म है तो, लेकिन अभी मैं इसको काटने के बाद थोड़ा सा और रेस्ट दे दूँगी जितनी देर हमारा मसाला भुनेगा। मसाले में हम लोगों ने वही हमेशा की तरह 1 प्याज और 1 टमाटर ले लें, लहसुन अदरक ले लें, और उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें थोड़े से ज़ीरे के साथ। ये देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है, और 2 पकाने वाले ऑयल डालने हैं कढ़ाई में हमने सालन बनाने के लिए। उसके अंदर हमने ये ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल के ढक्कन दे देना है, ये खुद ही भुना जाएगा। अब ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अब हमने इसको हिलाया है, अब ये अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें हमने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च और हल्दी डालनी है। जितना आपका टेस्ट हो, आप ज़्यादा खाना चाहते हैं आप ज़्यादा डाल लें, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और गरम मसाला हो तो आप थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद अच्छे से जब मसाला भुन जाएगा, ये देखें अच्छे से ये मैं हमारा मसाला माशाल्लाह भुन गया है। और उसके बाद इस जगह पर आप कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास है नहीं, जब होती है तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। उसमें हमने ये 1.5 गिलास के से भी थोड़ा कम, मतलब 1 गिलास से 1 घूंट के करीब मैंने और डाला है, और उसके अंदर हमने सारी खांडलियाँ डाल लेनी है। माशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी इसी अंदाज से अगर आप बनाएंगे तो। कुछ समझ में भी नहीं आज मुझे आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो बेसन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आज बेसन की खांडलियाँ ही बना लें। और जिस चीज़ को इस सालन के बारे में पता है कमेंट में ज़रूर मेरी बहनें बताइएगा। अब हमने सिर्फ 5 मिनट इसको कुक करना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर हरा धनिया डाल देना है, हरी मिर्च डाल दें, और उसके बाद ये इतना टेस्टी और यम्मी सा हमारे पास खांडली की सब्ज़ी बन के तैयार है। ये देखिए सबसे पहला खाना मेरी YouTube फैमिली के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।